हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी आज वर्कआउट करने का मन नहीं था, तो सोचा चलो एक लाइट वॉक और साथ में थोड़ी सी रनिंग करेंगे। आज अपनी वाइफ के साथ हैं। हाँ जी, हेलो गाइस। तो गाइस अब हल्की सी रनिंग करेंगे, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर, और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। और ये अपनी वर्कआउट कर चुकी है ऑलरेडी मम्मी के साथ, तो मैंने सोचा चलो मेरे को कंपनी देने के लिए आ जाओ। गाइस ये है हमारा पार्क, घर के पास है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ट्रैक है यहाँ पे। दौड़ने का दिल करता है, बार बार आने का दिल करता है, तो अभी हम यहाँ पे दौड़ लगाएंगे। फुल लाइट्स वाइट्स लगा दी हैं, रात को भी हम भाग सकते हैं। आगे विंटर्स में फोग होगा तो उसमें भी भाग पाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा बना दिया ना, लाइट्स वाइट्स लगा दी पूरी, है ना। तो गाइस ऑल सेट, तो अब भागते हैं। आपको लग रहा होगा पूरा दिन निकल गया, बट अभी भी आप देख सकते हैं फोग है बिल्कुल और डार्क है थोड़ा सा, बट ये लाइट्स की वजह से इतनी बढ़िया रोशनी हो गई ना, मज़ा आ गया। चलो रेडी, चलो भागो। I'm chasing her. Let's go, let's go. जी कैसा लग रहा है? Amazing. तो बहुत दिनों के बाद गए भाग रहे हैं, तो इसके पैर में इंजरी हो गई थी, उसके बाद आज बहुत टाइम बाद भाग रही है। तो कैसा लग रहा है? फुली रिकवर्ड, तो कोई पेन नहीं है, मज़ेदार भाग पा रहे हैं। तो साथ में बहुत टाइम बाद भागने आए हैं, आई थिंक लास्ट विंटर से भागे थे, है ना। पर हम लोग इवनिंग वॉक को जाते हैं। इवनिंग वॉक तो जाती है मम्मी के साथ, आश्रम जाते हैं, बट हम लास्ट विंटर्स में ऐसे भागे थे इकट्ठे। ये पूरा गोल चरा, हाँ, चार चक्कर लगा देते इसके। पूरा अटल पार्क का जो एक राउंड है 2.5 किलोमीटर के आसपास है, जो कि हम चार चार चक्कर काट लेते थे। तो दोबारा से स्ट्रेंथ गेन करेंगे, अभी तो 1 किलोमीटर के आसपास भागे हम और अभी वॉक कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे, मज़ा आएगा। तो उम्मीद है 1-2 महीने में फिर से हम 10K क्रॉस करेंगे, इसको जल्दी करेंगे। लाइट्स बंद हो गए गाइस क्योंकि दिन निकल गया फाइनली, देख सकते हो अभी भी फोगी है। तो जैसे जैसे विंटर्स आएंगी वैसे वैसे और फोगी होता जाएगा। देख सकते हो गाइस कितनी ग्रीनरी है, मज़ा आ गया गाइस। ठंड में भागने का मज़ा ही अलग है, ठंड का एक्सपीरियंस अलग ही होता है ना, भाग के यू नो ऐसे लगता है कि गर्म ठंड लगेगी पर दौड़ने लग जाता, दौड़ने लग जाता है, महसूस ही नहीं होती है ठंड। देखो वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया है यार, बड़ा अच्छा लगता है नेचर में आगे। बट प्रिकॉशन ज़रूर लो गाइस, प्रिकॉशन ज़रूर लो कि हाँ जब भी आप आओ अच्छे से कपड़े वपड़े पूरे टाइट करके आओ, ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि गर्म सर्द होने का पूरे चांसेस होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप घर से पूरे कपड़े पहन के आ रहे हैं फिर आप रनिंग कर रहे हैं उसके बाद गर्मी लगने लग जाती है। हाँ, और तो जाते ही फिर जाते ही आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ चलो अब गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, तो कपड़े अपने खोल दो तुम, जैकेट वैकेट उतार दो, और वो क्या है फिर आपको हवा लगेगी तो काम खराब हो सकता है। तो गाइस अब फिर से एक लैप और करते हैं रनिंग का, फिर घर चलते हैं, 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे हम, और इनका वर्कआउट तो हो जाए कंप्लीट। मेरे को भी करनी है बॉडी वेट ट्रेनिंग, आज कुछ सर्किट सोच रखा है 4-5 एक्सरसाइज का, तो देखते हैं करते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग एवरीडे, कुछ ना कुछ करते रहो। मेरी बीवी होगी परेशान कि बार बार वीडियो बनवा रहा है, तो भाई YouTube फैमिली के लिए बनाना है तो बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। अब यूट्यूबर बन गए हम तो वीडियोस पे बनाने पड़ेंगे ना, कैसा लग रहा है? देखो भाई मस्त व्यू है, इस व्यू को अगर कैप्चर नहीं किया तो क्या फ़ायदा है ना पार्क में आने का। तो बढ़िया है, वॉक की वॉक हो रही है, वीडियो का वीडियो बन रहा है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो रही है और मज़े हो रहे हैं।
फाइनली पहुंच गए हैं घर, सो इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा देख के और इंस्पिरेशन मिलेगी। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोग भी इंस्पायर हों, घर से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने आप को एक्टिव रखें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि आपकी सेहत भी अच्छी होगी और ये कम्युनिटी जो हमारी है यूट्यूब की, ऐसे ही हेल्दी कम्युनिटी बनेगी और हम ग्रो करेंगे अमेजिंगली। तो कैसे भी मैं आपको एक झलक दे देता हूँ कि मैं पोस्ट वर्कआउट क्या लेता हूँ। आप सबको पता ही है कि आई ड्रिंक माई पोस्ट वर्कआउट स्मूदी, तो इसकी रेसिपी भी वेरी सून मैं डालने वाला हूँ। तो ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो आइए दिखा देता हूँ, फिर करते हैं चिल और वीडियो करेंगे एंड। सारा घर देखो क्लीन हो चुका है मस्त। तो आप मेरे फादर के चैनल पे देखना, आज उन्होंने मॉर्निंग रूटीन अपना दिखाया, तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सब शेक पी चुके हैं, अब हमारी बारी है। तो ये है हमारा पोस्ट वर्कआउट शेक, देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स होगी, जैसे फ्लैक्स सीड हो गई, ओट्स हो गए, फ्रूट हो गया और चने का सत्तू हो गया, ये सब चीज़ें, न्यूट्रोलाइट का प्रोटीन हो गया, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ऑलमोस्ट मेरे को 20 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा, तो मस्त मज़ा आएगा। तो ये आपको मैं रेसिपी डालने वाला हूँ वेरी सून, तो इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्या बनाया? मस्त टेस्ट होता है, मज़ा आया सर। तो मेरी मदर का भी चैनल है, उन पर भी वो कल उन्होंने डाली जॉइंट पेन की एक्सरसाइज, तो वो सब चीज़ें सब यू नो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिएटर्स हैं हमारे घर में। सो वी आर द क्रिएटर फैमिली, यूट्यूब क्रिएटर फैमिली। सबके चैनल आज डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, जैसे आप हमारी फैमिली को कर रहे हो, तो उन सब की यूट्यूब फैमिली भी बढ़ने चाहिए। तो अभी देखिए न्यूट्रोलाइट का फाइबर पी रहे हैं, जो कि एक अमेजिंग फाइबर है, सोल्यूबल। तो ये भी बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, देखो चम्मच दिखने भी लग गया। इसकी खासियत यही है, तो ये आफ्टर 50 डालना चाहिए डाइट में। मेरे गॉल ब्लैडर जैसे नहीं है तो डाइजेशन सिस्टम अपसेट ना हो, तो रोज एक गिलास पानी में डाल के, एक चम्मच 2 ml का इसके अंदर होता है, वो डाल के इसको घोल लो और पी लो, सारा दिन डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। चलो बढ़िया करो इन्जॉय। और यहाँ चल रही है शिव बाबा की मुरली, तो बढ़िया से मॉर्निंग रूटीन सब बढ़िया, अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रूम सारे सेट हैं। आप देख लो सुबह के सिर्फ 7 बजे है और सब काम निपट गए हैं, किचन भी सेट है, अब सब नहाए धोएंगे और अपना काम करेंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे एक सिस्टम बना के चलो तो घर घर नहीं है, घर स्वर्ग बन जाता है। तो स्वर्ग बनाना भी हमारे हाथ में है, तो जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। भैया भाभी जो हैं वो शिवानी को तैयार कर रहे हैं, स्कूल का जाने का टाइम आ गया है, तो अभी कुछ दिनों से स्कूल जा रही है, ऑलमोस्ट सेकंड वीक हो गया उसका, अभी बढ़िया मज़े से वो पढ़ रही है, बढ़िया उसका रूटीन बन गया है। तो ब्रेकफास्ट करके जाती है, फ्रेश होके जाती है, नहा के जाती है, तो वेरी बिग यू नो छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस एज में एक बढ़िया उसका मॉर्निंग रूटीन बन गया है। तो ऐसे ही अपनी पूरी फैमिली का एक मॉर्निंग रूटीन बनाओ, जिसमें एक लाइफस्टाइल सेट हो जाए कि हाँ यार सब कुछ सारे काम हो गए, ऐसा नहीं है कि ठंड आ गई है 10-11 बजे तक पड़े हुए बेड में ही। जॉब वाले हैं वो तो चलो उनका एक रूटीन बन ही जाता है, बट जो बिजनेस फैमिलीज हैं या जो अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है रात को लेट सोना। और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो स्कूल जा रहे हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, और मेरी जो कम्युनिटी है यंग कम्युनिटी है, तो वहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ठंड में यू नो नहाते नहीं है टाइम पे, पड़े रहते हैं यार कोई नहीं, अभी जब दिन निकले उनका दिन ही 10 बजे निकल रहा है, क्योंकि रात जो है वो 2-3 बजे होती है ख़त्म। तो मेक श्योर एक बढ़िया सा रूटीन बना लो, फिर लाइफ मस्त है। आप देखोगे टाइम ही टाइम है, नींद पूरी हो जाती है अगर आप बढ़िया से 10 बजे तक भी सो जाओ, 11 बजे तक भी सो जाओ, आराम से आप 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे आराम से उठ सकते हो। तो मेक श्योर आप एक रूटीन बनाए और फिर आपकी लाइफ ऑल सेट है, आपके पास ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे, उनको अचीव करने के लिए यू हैव अमेजिंग टाइम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग दिस चैनल, कीप वाइबिंग, पीस आउट।
रानी आ गई है नहा धो के, अभी नाश्ता करेगी फिर स्कूल के लिए रेडी होगी। ओम शांति तो बोल दो सबको। आप आज कितने बजे उठे थे? 4 बजे। ओ बेटे की, 6:30 उठ गए थे आप? इतनी जल्दी उठ के क्या कर रहे थे? शेक पिया था, एक्सरसाइज किया था। गुड गर्ल। आप अपने वो तो दिखा दो, मसल दिखाओ। ए बेटे की, मसल देख लो इसके। ये जिम भी करती है लड़की, है ना? आपकी हाइट भी बड़ी हो रही है ना, आप स्ट्रोंग भी हो रहे हो। वाओ ब्यूटीफुल गर्ल। बाय बाय कर दो। वो तो बोल दो, यूट्यूब पे क्या बोलते हैं बाद में? हाय थैंक यू। एक्सरसाइज, यस यस। और वो करके दिखाओ, उठक बैठक। अच्छा चलो पुशअप करके दिखाओ। गुड गर्ल गुड गर्ल, क्या बात है। देखो हमारा 5 साल का बच्चा पुशअप कर रहा है, क्या बात है। ओए होए,